द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बाय हार्वर्ड मार्क्स। बिना किसी देरी के इस बुक की समरी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेसिकली हम स्टॉक मार्केट को ऐसी जगह कह सकते हैं जहां पर आप समझदारी से इन्वेस्ट करके एक बहुत अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहां पर फ़ायदा कमाने के लिए आपको मार्केट और कंपनीज़ की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दोस्तों, बेसिकली आप इस चीज़ को जितना बेहतर ढंग से समझ सकोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी पैसा बनाने की, वो बढ़ेंगी। हमारा जो पहला लेसन आता है वो यही आता है कि टू मेक प्रॉफिट इन द मार्केट यू हैव टू थिंक इन अ डिफरेंट वे। मतलब बेसिकली मार्केट में प्रॉफिट अगर आपको बनाना है तो आपको अलग अलग तरह से सोचना होगा। अगर दोस्तों स्टॉक इन्वेस्टिंग को हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये निकल कर आता है कि आप अपने पैसों को किसी कंपनी में तब लगाते हो जब उसकी जो स्टॉक की कीमत है वो कम होती है, और उसे तब बेचते हो जब उसकी कीमत बढ़ जाती है। यानी कि आपको एक स्टॉक को तब खरीदना होगा जब उसका जो दाम गलत लगाया गया हो और भविष्य में उसके बढ़ने की संभावना हो। लेकिन दोस्तों, ऐसा बहुत कम होता है किसी स्टॉक की कीमत को गलत लगा दिया जाए, ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत से लोग अलग अलग एसेट की जांच कर रहे होते हैं मार्केट में और बेसिकली उस स्टॉक के प्राइस पर काम कर रहे होते हैं, तो ऐसा होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो तो बहुत कम है। लेकिन दोस्तों, कभी कभी जो दाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है, जैसा कि याहू के स्टॉक के साथ हुआ था। क्या आपको पता है, सन 2000 की जनवरी में याहू के स्टॉक $237 में बिक रहे थे, लेकिन ठीक उसी साल अप्रैल में उसके स्टॉक पता कहाँ पर चले गए, $11 पर आ गए। मतलब आप डिफरेंस देख रहे हो। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता चल गया कि अगर स्टॉक की प्राइस जो गलत लगाई गई है तो आपको नुकसान भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। सो गलत स्टॉक प्राइस लगाने से, दाम लगाने से फ़ायदा और नुकसान दोनों ही होने की संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटी होती हैं। और अगर आपको इन हालातों में अगर पैसा बनाना है, अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो आपको अलग तरह से सोचना होगा। एक तरह की थिंकिंग इस बुक में डिस्क्राइब की गई है, वो है हमारी फर्स्ट लेवल थिंकिंग। फर्स्ट लेवल थिंकिंग बेसिकली कुछ इस तरह की होगी, ये अच्छी कंपनी है, इसका स्टॉक खरीद लेना चाहिए। लेकिन जो सेकंड लेवल की थिंकिंग होती है ना, वो कहती है ये अच्छी कंपनी तो है लेकिन ऐसा हर कोई सोचता है, और इसलिए हर कोई इसका स्टॉक खरीदना चाहेगा, इसका मतलब स्टॉक की कीमत ज़्यादा हो गई है और मुझे इसे बेच देना चाहिए। तो आपको ये तो पता चलेगा कि आपको फर्स्ट लेवल थिंकिंग के हिसाब से सोचना है या सेकंड लेवल थिंकिंग के हिसाब से। ऑब्वियसली सेकंड लेवल थिंकिंग के हिसाब से। सेकंड लेवल थिंकिंग एक बेसिकली सक्सेसफुल तरीका इसलिए है क्योंकि इसमें आप अपने साथ साथ दूसरे इन्वेस्टर्स के बारे में भी सोच रहे होते हो कि अभी करंट टाइम पर मार्केट में वो कैसे एक्ट कर रहे हैं। हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि बिफोर यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन एनी स्टॉक यू हैव टू नो व्हाट इज़ देयर एक्चुअल प्राइस। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि आपको पता कैसे लगा कि कीमत कब कम हुई है स्टॉक की और कब ज़्यादा हुई है। लेकिन इसे चेक करने से पहले आपको ये पता लगाना होगा कि स्टॉक की एक्चुअल प्राइस क्या है स्टॉक की। जब जो मार्केट प्राइस दिख रहा होता है किसी स्टॉक का, वो उसके एक्चुअल प्राइस से कम हो जाता है, तो आपको उस स्टॉक को खरीद लेना चाहिए। स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू को ही हम इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। बेसिकली किसी भी स्टॉक का जो इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आपको पता लगाना है तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना आना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली आप कंपनी को एनालाइज कर रहे होते हो और बेसिकली ये पता करने की कोशिश कर रहे होते हो कि वो कंपनी कितनी सक्सेसफुल है, क्या वो एक्चुअली में प्रॉफिट कमा भी रही है मार्केट में या नहीं। ठीक इसी तरह और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्या वो अपना कर चुका चुकी है, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका आंसर आपको ढूंढना होता है फंडामेंटल एनालिसिस करके। दोस्तों, इस बुक में ऑथर एक और बात कहते हैं जो कि मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, वो ये है कि स्टॉक मार्केट में इमोशंस के थ्रू इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, बेसिकली किसी भी स्टॉक की जो करंट प्राइस चल रही है और उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसके बीच में एक बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है। आपको बेसिकली इसी रिलेशनशिप को समझना आना चाहिए। और इसके अलावा स्टॉक खरीदने से पहले आपको कुछ टेक्निकल और साइकोलॉजी पर भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, बेसिकली दो तरह के एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में आप कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे होते हो, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस की जब बात आती है वहाँ पे आप पैटर्न्स और ग्राफ को देखकर पता कर रहे होते हो। और जब हम बात कर रहे होते हैं साइकोलॉजी की, तो इसका मतलब होता है हमारी मानसिकता से, हमारे माइंडसेट से। दोस्तों, बेसिकली जब आप मार्केट में उतार चढ़ाव जो देख रहे होते हो ना, वो लोगों के डर और लालच की वजह से आ रहा होता है। कुछ लोग डर के मारे बहुत बेच रहे होते हैं तो कुछ लोग लालच के मारे बहुत खरीद रहे होते हैं। इसी से जो मार्केट में जो वैल्यू होती है स्टॉक की, वो ऊपर नीचे होती हैं, सॉरी प्राइस ऊपर नीचे हो रही होती हैं। हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो ये आता है कि फॉर हैविंग ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट यू शुड हैव ए प्रॉपर रिस्क हैंडलिंग मॉडल। अब दोस्तों सपोज कि ये मान लीजिए कि आपको जापान में घर लेना है, लेकिन आप इस बात से डर रहे हो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर आते रहते हैं, जैसे अर्थक्वेक आते रहते हैं। तो आप सोच रहे हो कि आपने घर ले लिया और नेचुरल डिजास्टर कोई आया और आपका घर गिर गया, तो मतलब जो आपका बेसिकली जो घर है वो गिर गया तो क्या होगा। आपको बेसिकली कैसे पता लगेगा कि भूकंप में उस घर के गिर जाने के रिस्क हैं या अभी नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों एक ही रास्ता है,
आप बेसिकली भूकंप आने का इंतजार कीजिए, अगर घर गिर जाता है तो उसे खरीदने में रिस्क था, और नहीं गिरता है तो उसे खरीदने में रिस्क नहीं था। अगर मैं दोस्तों इस भाषा को जो भी मैंने अभी इस्तेमाल करी, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसे आसान शब्दों में समझाऊं, तो इसका मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि रिस्क के बारे में पूरी तरह से जान पाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे दोस्तों किसी भी स्टॉक की प्राइस अगर रेगुलरली बढ़ रही है तो बहुत से लोगों को लगता है कि अब ऊपर ही जाएगा, ये फायदेमंद चॉइस है उनकी, अगर उनको वो लोग इस स्टॉक को ख़रीदते हैं तो उन्होंने सही किया है। लेकिन वहीं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर जानता है कि उसके गिरने की भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कुछ क्या बहुत ज़्यादा भी हो सकती हैं। बेसिकली दोस्तों रिस्क को कभी भी किसी तरीके से पूरा मतलब एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट में बेसिकली भविष्यवाणी ही कर रहे होते हैं कि एक स्टॉक की जो कीमत है वो आगे बढ़ेगी या नहीं। दोस्तों बेसिकली हम में से बहुत से लोगों को रिस्क लेना पसंद नहीं है, और क्योंकि अब हम इन्वेस्टमेंट करते समय इस चीज़ से बच भी नहीं सकते, तो बेसिकली हमें ये डिसीजन तो करना होगा कि इन्वेस्टमेंट को करने पर हम कितना खो सकते हैं, मैक्स टू मैक्स हम कितना लूज़ कर सकते हैं, और ठीक उसके मुकाबले हम कितना फ़ायदा हमें कितना फ़ायदा बेसिकली मिल रहा है। और इसके अलावा बात करूँ तो रिस्क समय के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आपने कम रिस्क पर आज किसी कंपनी के स्टॉक को ख़रीदा है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका जो रिस्क है वो हमेशा कम ही होगा, इन फ्यूचर हो सकता है वो रिस्क बढ़ भी जाए। इसीलिए आपको जब भी आप रिस्क के बारे में सोच रहे होते हो तो सोचते वक्त स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर उसे जो भी रिलेटेड जो दूसरी बातें हैं उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमने इस बुक से यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स देखे। पहला हमारा यही था कि मार्केट में फ़ायदा कमाने के लिए आपको अलग तरह से सोचना होगा, डिफरेंट तरीके से सोचना होगा। हमारा जो अगला पॉइंट था वो ये था कि किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी असली कीमत के बारे में आपको जानना होगा। और तीसरा जो पॉइंट था हमारा वो यही था कि एक फ़ायदेमंद इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क को हैंडल करना बहुत ज़रूरी होता है। आई होप आपको ये छोटी सी समरी पसंद आई होगी यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।